Hello and welcome everybody to this new lecture. Today we are starting a new unit of our syllabus, the unit number third of our paper number first, mechanics. The unit number third of your syllabus is about gravitation. You all are very familiar with this word gravitation, Gurutvakarshan. Gravitation या फिर गुरुत्वाकर्षण के विषय में आप अपने जो प्लस टू का सिलेबस था आपका 11th या 12th में आपने कहीं ना कहीं इस वर्ड से जरूर फेमिलर हुए होंगे. ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी या अर्थ के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह फील्ड जिसमें कोई भी वस्तु एक ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है. मीन्स टू से दैट द एरिया और अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ इन विच एनी बॉडी इज एनी बॉडी फील द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट एरिया इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रेविटेशन. ओके, 13th century में न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताया और वहीं से इस फिनोमिना की शुरुआत हुई. सो ग्रेविटेशन का जो मेन टॉपिक है यहाँ स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड, तो वो हम पहले कवर करेंगे और फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे द ग्रेविटेशन. ओके, तो सेंट्रल फोर्स के बारे में आप यूनिट नंबर फर्स्ट में स्टडी करके आए हैं. व्हाट इज सेंट्रल फोर्स एंड व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, विच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड और वेरिएशन ऑफ सेंट्रल फोर्स. That's all you studies in unit number first of our syllabus. So what is first, again take a look at this topic, the central force, केंद्रीय बल. Central force यानी केंद्रीय बल कौन से बल होते हैं जिनको हम central force कहते हैं. Okay, so the force of this type, that is if a force the vector F is of this type, that is the magnitude of the force, and r cap the direction of the force, that is force of this type is known as central force. कौन कौन सी वो properties हैं जो किसी भी force को central force बनाने के लिए जरूरी हैं. First is magnitude of which depends only on the distance between the centers of two bodies. यानी एक ऐसा बल जिसका परिमाण केवल दो वस्तुओं के बीच के जो दूरी है उनके सेंटर्स के जो बीच की उनके केंद्र के बीच की दूरी के पर निर्भर करे, केवल उस बात पर निर्भर करे. द मैग्नीट्यूड ऑफ विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज acts into the direction of line joining the two bodies. केवल उस लाइन में ज्वाइन करे, उसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो, acts into the direction of line of joining of the two bodies. यानी अगर हमारे पास इस तरह से कोई भी दो बॉडीज हैं, यहाँ ये मेरे पास फर्स्ट बॉडी है और ये मेरे पास यहाँ सेकंड बॉडी है, तो यहाँ जो लाइन इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन ऑफ एक्शन होगा फोर्स का वो कुछ इस तरह का होगा. तो इस तरह के फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स. यानी जो इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा वो उस लाइन के की डायरेक्शन में होगा विच ज्वाइंस द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज. ओके, एंड थर्ड इज the central force is a conservative force. The central force is a
कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ के आए हैं. दैट इज इट कैन बी रिटर्न एज, और एनी कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटर्न एज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में हम किसी भी सेंट्रल फोर्स को या कंजर्वेटिव फोर्स को, चूंकि जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स को हम निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल की जगह भी अगर क्या क्या कहें आप, एनी स्केलर क्वांटिटी, तो ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन आप बोलेंगे या ज़्यादा बेहतर वर्डिंग आप यूज़ करेंगे. इट मीन्स टू से दैट सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये लाइन है. यानी जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं वो सारे से वो नेचर उनकी कैसी होती है, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, और जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनको हम निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं. दैट इज एफ कैन बी रिटर्न एज, द फोर्स कैन बी रिटर्न एज, बिकॉज जो सेंट्रल फोर्स है उनकी नेचर कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो व्हाई दिस फोर्स कैन बी रिटन एज द ग्रेडियंट, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ओके, दैट इज द फोर्स एफ कैन बी रिटन एज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज माइनस डेल वी, दिस इज द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट एंड minus is here, that's why this is read as negative gradient of potential, okay, or we can write as grad V, okay. Examples क्या हो सकते हैं central force के, gravitational force है एक central force है, okay. कैसे, जैसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि gravitational force का जो formula है वो हमारे पास आता है F equals to G M1 M2 over R square into R cap, which shows the line of action or direction of force in which it acts. So Fr into R cap, where Fr is equals to G M1 M2 over R square or C over R square, because you can write C as a constant, because G, the universal gravitational constant, is a constant, have value fix, M1 mass of the first body and the M2 is mass of the second body, which are assumed to be constant here. So why this whole quantity G M1 M2 is assumed to be a constant, or should be a constant, not assumed to be a constant, should be a constant. So in place of G M1 M2 you can place C, then this expression of magnitude of force can be written as C over R square. So actually this line acts into the direction of line joining the two bodies, and the magnitude of the first point, magnitude of which depends only on the distance between the centers of the body. So this formula predicts that first point, magnitude of which depends only on the distance. Depends only on the distance between the centers of the two bodies. What is the relation between the magnitude of this force, that is Fr, and C over R square? You can simply say that Fr is directly proportional to 1 over R square. This is a simple relation between the magnitude of the force and the distance between the centers of the two bodies, that Fr is directly in proportional to 1 over R square. Okay, so that's why. And the second point acts into the direction of line joining the two bodies. उस रेखा में कार्य करता है जो दोनों दोनों वस्तुओं के केंद्रों को आपस में जोड़ती है. And the third point, that central force, क्योंकि उसकी नेचर कंजर्वेटिव नेचर का होता है, सेंट्रल फोर्स जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव नेचर, कुलम फोर्स को भी आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, एफ इक्वल्स टू क्यू वन के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, तो वो भी कंजर्वेटिव नेचर का होगा. और जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसको हम निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी से पोटेंशियल
पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, वन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेकंड एग्जांपल इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस से Q1 एंड Q2 डिस्टेंटेड बाई अ डिस्टेंस स्मॉल r इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स। ये दूसरा एक एग्जाम्पल है सेंट्रल फोर्स का। सो F, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर एंड r cap वेक्टर, r cap अगेन शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विच इज अ सेंट्रल फोर्स एंड इट एक्ट्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस, ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट चार्जेस। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज एफ आर इंटू आर कैप एंड अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर इज के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगेन के हियर द कॉन्स्टेंट के हैज वैल्यू 1/4πε0 विच इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 9×10⁻⁹, the magnitude of the first point charge, the magnitude of the second point charge. Hence, the numerator of this equation is a constant. K is a constant, the value of first point charge, the value of the second point charge, and the multiple product of these three quantity should be a constant. So K Q1 Q2 is a constant. So C over R square. Again, this force is directly in proportional to R square. Directly in proportional to R square. So again, prove this property of the central force, that central forces, that is magnitude of central forces depends only on the distance between the centers of the two bodies. Okay, this. So our next topic is into your syllabus is conservation of angular momentum in central force field. So central force ke kuch properties humne abhi study ki aur yahi se inhi properties ka hum use karenge aur aage ye proof karne ki koshish karenge ki jo conservation hai angular momentum ka wo किस तरह से कंजर्व रहता है एंगुलर मोमेंटम इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। ओके, सेंट्रल फोर्स फील्ड में एंगुलर मोमेंटम, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहता है। ओके, सो कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ रिड्यूस्ड मास m मूविंग अबाउट द ओरिजिन o। ओके, हमने कोई भी एक रिड्यूस्ड मास का पार्टिकल, ये मास m, ये मास नहीं है, इसका रिड्यूस्ड मास है। Consider a particle of reduced mass m moving about the origin O. The force acting on the particle is a central force, that is can be written as this. So the force acting on this particle of reduced mass m can be written as, because this is a central force. The torque acting on the particle subject to a central force is zero. Why zero? That is the reason that torque can be written as R cross F, where F is force acting on the particle and vector R is vector distance from the origin. This is the situation here. This is the particle of reduced mass M and this is the vector distance of this particle of mass m from the origin. This is the origin in at which the three mutually perpendicular axes x, y and z meets, and this is the direction of torque acting on the force and this is the direction of central force. So torque can be written as tau equals to r cross f. You already known, very familiar to this relation. And because R, the vector R, can be written as the magnitude of R, that is magnitude of vector R into R cap, this vector quantity can be written as this, in this form, cross the force or the central force can be written as
एफ आर इंटू आर कैप एंड लुक एट हियर आर कैप क्रॉस आर कैप दैट इज टू वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर गिव्स दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर गिव्स यू ऑलवेज जीरो सो द टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ पार्टिकल ऑफ रिड्यूस मास is always be zero under the action of central force. Only under the action of central, not always be zero. Under the action or under the application of central force. That is the result that we have derived here is the torque acting on a particle subjected to a central force. Only about central force is always be zero. That's so this okay now torque tau is the time rate change of angular momentum j torque tau is the time rate change of angular momentum j that is tau can be written as dj over dt tau can be written as dj over dt and because tau is equals to zero under a central force That's why dou dj over dt can be equals to zero and j can be equals to constant. J should be equals to this constant because the differentiation with respect to time t of the angular momentum is equals to zero or you can say that the time rate change of angular momentum is equals to zero. That's why j should be equals to a constant okay you know this relation the relation between the torque and the angular momentum this relation tau equals to dj over dt that is you can say it verbally that the torque acting on a body is equals to the time rate change of total angular momentum j and because you know that the tau equals to zero under the action of a central force jab bhi kisi body pe koi central force work karega तो उसका जो टॉर्क होगा वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और टॉर्क अगर इस इक्वेशन में हम जीरो रख दें तो दिस इक्वेशन बिकम्स दिस टाइप डीजे ओवर डीटी इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इक्वेशन गिव्स मी द रिजल्ट दैट जे शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट and is therefore a constant of motion or you can say that this wording in other words in a central force field the angular momentum of the particle is constant kisi bhi central force field mein jo kisi bhi body ka angular momentum rehta hai wo constant rehta hai so is topic se hame do result acquire hote hain pehla result ye hai ki under the action of a central force the torque acting on the on a particle or a body is always be zero and by this result you can say that under the action of a central force field the total angular momentum of a particle or a body acting upon under the action of central force is always be constant so total angular momentum constant rehta hai jabki jo torque hai wo zero rehta hai under the action of central force under the action of central force not under the action of any force but under the action of central force the torque acting on the body is always be zero and hence this result gives me that one that is the total angular momentum of the dead body will be constant okay now move to the another one that is central force is confined in a plane the central force hai wo प्लेन में कंफाइंड रहता है इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे लेट अस सी दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हैविंग अ लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू mv इज गिवन बाय अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो किससे बिकॉज यू नो दैट द एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसे जो टॉर्क है ये बल का आघूर्ण है
मोमेंट ऑफ फोर्स है। टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस और फोर्स इनटू वेक्टर डिस्टेंस, यू कैन से दैट फोर्स इनटू वेक्टर डिस्टेंस। हियर इज मोमेंट, मोमेंटम इनटू वेक्टर डिस्टेंस, मोमेंटम इनटू वेक्टर डिस्टेंस। सो हियर इज आल्सो द सेम कॉन्सेप्ट। इफ द टॉर्क कैन बी से लाइक दैट दैट इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड हियर इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज टोटल एंगुलर मोमेंटम और यू कैन से सिंपली इट एज एंगुलर मोमेंटम। दैट मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज आर क्रॉस पी और यू कैन से दैट दैट आर क्रॉस द वैल्यू ऑफ पी और कैन पी कैन बी रिटर्न द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी कैन बी रिटर्न एज पी इक्वल्स टू वैक्टर पी इक्वल्स टू एम वी वैक्टर। सो इन प्लेस ऑफ पी वैक्टर यू कैन सिंपली शिफ्ट इट एज m into v vector, so the value of total angular momentum can be written as vector r cross m into m v vector. So this is the form of total angular momentum. Okay. Again, where r is the position vector of the particle with respect to center of force lying at origin, the origin of the coordinate system. Okay. For a central force, the angular momentum J remains constant, proved earlier. अभी हम प्रूफ करके आए हैं क्या कि किसी भी central force के action के under जो किसी भी particle का जो total angular momentum रहता है वो हमेशा constant रहता है, हमेशा constant रहता है. Okay. When J remains constant, its magnitude as well as direction remains same. जब J constant रहेगा तो किसी भी J का कांस्टेंट होने से क्या मतलब है? क्योंकि J एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए और उसके मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि J कांस्टेंट है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी J कांस्टेंट है, इसके कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? इसके कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि इस कांस्टेंट क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, ये कांस्टेंट कब रहेगी? जब इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों क्या रहे? कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तभी तो ये कांस्टेंट रह पाएगी। द डायरेक्शन ऑफ जे इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर आर एंड वी। हियर लुक एट हियर दिस रिलेशन, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, यू कैन सिंपली राइट दिस रिलेशन एज that vector J equals to vector R cross M vector V, this. And if you write it as R cross V, and this is equals to vector J. So, the plane of J or the direction of J is simply perpendicular to the plane in which these two white vectors are lying. Okay? अगर आपको इस तरह से बताया जाए कि आपके पास ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, से दिस इज एक्सिस ऑफ x, एक्सिस ऑफ y एंड एक्सिस ऑफ z, तो अगर ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और इस डायरेक्शन में उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, तो ये जो पार्टिकल है ये इस प्लेन में कन्फाइंड है, इस प्लेन में कन्फाइंड है, इस प्लेन में, इस प्लेन में कन्फाइंड रहेगा ये पार्टिकल। और अगर ये इस प्लेन में, इस प्लेन को मैं एक्स वाई प्लेन कह रहा हूं, तो जो रिलेशन अभी हम स्टडी करके आए दैट वेक्टर जे इक्वल्स टू आर क्रॉस पी एंड यू कैन सिंपली राइट इट एज आर क्रॉस एम वी, दिस। सो
because m is a constant, so r cross v, so the direction of j is perpendicular to the plane in which these two vectors are confined, and the plane is xy plane in which these two vectors are confined. This is the plane xy plane, you can say it as xy plane. So the direction of j is always perpendicular in this direction, always perpendicular to the plane of paper, or you can simply say it as xy plane. So the direction of j, direction of total angular momentum, is always perpendicular to the plane of paper, this in this direction, direction of z axis, whether into the page or out of the page, but direction of the total angular momentum is always perpendicular to the plane of the paper, always perpendicular to the plane of the paper. Okay, so when j remains constant, jab j constant rehta hai, to iska matlab ye hai ki j ka jo magnitude hai aur j ki jo direction hai, wo dono kya rahengi? Same rahengi. Hence the direction of j is perpendicular to the plane. Ye baat abhi hum discuss karke aaye is figure mein, that the direction of j is perpendicular to the plane containing the vectors r and v. Here is the direction of j, जो j का direction होगा वो इस plane के perpendicular होगा जिसमें जो vector है वो v, vector r और vector v confined है इस plane में, और इस plane को हम क्या कह रहे हैं? xy plane. इस paper का जो plane है, ये इस paper को आप एक plane consider कर सकते हैं जिसकी direction ये वाली is direction of x axis है, ये वाली is direction of y एक्सिस है, और यहाँ ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ दिस पेन सोविंग द डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर. सो द वेक्टर जे इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द वेक्टर आर एंड वेक्टर वी इज कन्फाइंड. ओके, so the direction of j is perpendicular to the plane containing the vector r and vector v, hence the path of the particle under a central force must always lie in a plane. That is the direction of j perpendicular to the plane containing the vector r and vector v, we proved that. Hence the path of the particle under a central force must always lie in a plane. तो जो भी पार्टिकल यहां मूव करेगा वो किस प्लेन में मूव करेगा? वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो बल्कि एक इस प्लेन में मूव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसकी v है और जो उसका पोजिशन वैक्टर है विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजन o इज वैक्टर r. तो वो पार्टिकल जिसका मास m है, मान लीजिए वो v वेलोसिटी से यहां मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंट रहेगा वो इस प्लेन में कुछ इस तरह का रहेगा. तो जो j वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर j, ये हमेशा किस में मूव करेगा? एक प्लेन में मूव करेगा. इसकी वजह से जो पार्टिकल है मास m का, किस में मूव करेगा? ये प्लेन में मूव करेगा, ना कि किसी डायरेक्शन या लेंथ के एक्सिस पे मूव करेगा. इफ वी टेक द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जे अलोंग द जेड एक्सिस, द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल टेक इन द एक्स वाई प्लेन एज वेक्टर आर एंड वेक्टर वी बोथ लाई इन दिस प्लेन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर प्लस डी आर, एंड दिस इज द वेक्टर टी आर. ओके, दिस इज द origin. Hence we conclude that motion under a central force confined in a plane. Okay, so ye jo
फिगर है इस बात को प्रूफ करती है कि जो मोशन रहेगा किसी भी पार्टिकल का अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स विल ऑलवेज लाई इन अ प्लेन। तो ये तीसरा रिजल्ट हमने एक्वायर किया है। पहला रिजल्ट हमने एक्वायर किया जो टॉर्क एक्ट करता है, जो टॉर्क की वैल्यू होती है अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो। सेकेंड रिजल्ट वी एक्वायर हियर इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। और थर्ड रिजल्ट दैट मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज कन्फाइंड इन अ प्लेन। दीज आर द थ्री रिजल्ट वी एक्वायर सो फार इन दिस लेक्चर। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज बी जीरो। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। एंड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स is always confined in a plane. These are three results we acquired so far. Okay. The third and the next topic is law of equal area or aerial velocity under the action of, again, under the action of central force. Okay. What is this law? Let m be the reduced mass of the particle and r its instantaneous position vector at point A, this above figure, with respect to the center of the force lying at O. If the position vector R changes R plus dr, this type, at B in time dt, then what is the value of vector EB? Okay, हमने कोई भी m मास का एक रिड्यूस मास का पार्टिकल कंसीडर किया है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन, यहां ये रिड्यूस मास का एक पार्टिकल है जिसका मास कितना हमने कंसीडर कर लिया, स्मॉल m। इस पार्टिकल का मास स्मॉल m है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजन इज स्मॉल r। ठीक है, अब हमने क्या कंसीडर किया कि विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ फिगर, इफ द पोजिशन वैक्टर चेंज इज आर प्लस डी आर, तो पोजिशन वैक्टर का जो चेंज है वो यहां आर था और जब वो पॉइंट बी तक पहुंच जाता है तो हमें उसका जो पोजिशन वैक्टर है वो हो जाता है आर प्लस डी आर, और ये पोजिशन वैक्टर चेंज होने में जितना समय लेता है वो कितना है डी टी। देन ए बी द वैक्टर ए बी, वैक्टर ए टू बी कैन बी रिटर्न एज आर प्लस डी आर माइनस वैक्टर आर, r plus dr according to the vector law of addition or vector subtraction law, r plus dr minus vector r always gives you the value of vector ab. So vector ab is r plus dr vector minus r vector gives you the vector dr. Okay. The area oab is equals to, say, equals to dA swept by the radius vector r in time dt is given by dA is equals to half r into dr. The rate at which the radius vector r sweeps the area is known as area velocity. वो रेट जिस पे ये रेडियस वेक्टर r sweeps the area is known as area velocity. यानी इस एरिया वेक्टर का रेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम रेट चेंज ऑफ दिस वेक्टर, द एरिया वेक्टर डी ए इज नोन एज द एरियल वेलोसिटी। सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन यू हैव टू बी डिफरेंशिएट द राइट हैंड साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो here the dA by dt can be obtained by differentiating this vector with respect to time, and 1 over r cross dr over dt, again this vector is differentiating with respect to t. What is this?
what is this dr over dt, the time rate change of position vector, time rate change of position vector. So if you multiply and divide by m into this equation, when we divide the into the denominator, then this term will be 2 and here is 2m, and m is multiplied by the same factor m multiplied by m divided by m. So this factor m dr by dt gives you the m into dr by dt. The time rate change of position vector gives you the velocity of that particle of mass m. So 1 over 2m r cross m into v, r cross m into v. And what is mv? mv is actually the linear momentum of that particle of mass m moving with velocity v. So this is, will be equals to r cross p. And what is r cross p? Is actually the total angular momentum, momentum, moment of momentum. So actually j over 2m, this factor will be become over j equals to j over 2m. That is aerial velocity dA over dt equals to j over 2m. And let us say it as a constant. Why constant? Because under the action of a central force, j will remain always be constant, 2 is a constant, and mass of the particle will be a constant. Then that's why this whole term will be equals to a constant. So as angular momentum, j is a constant of motion and m is also a constant. Hence, aerial velocity of radius vector for a particle under a central force is constant, or radius vector sweeps area at a constant rate. This is the fourth result we acquire here. This is the fourth result, that aerial velocity is always be a constant of motion. This is the fourth result we acquire under this topic, that aerial velocity, aerial velocity is always be a constant of motion. These are the four results we acquire under the action of central force. The first result is that torque of a particle under the action of central force is always be zero. The total angular momentum of a particle under the action of central force will always be zero. This is the second result. The third result, that a particle under the action of central force will always be confined in a plane. This is the third result. And the aerial velocity of a particle under the action of a central force is always be a constant. This is the fourth result we acquire under the action of central force. So this is all about central force in this unit. Although this may be covered into unit number first, but there are some concepts like torque, total angular momentum and other things, the central. So that's why this is taken into your syllabus in this unit number third, although this may be or might be covered into unit number first. So that's all for the central of force in this unit. Okay, now moving to our main topic, that is about gravitation. And first topic we included here is Newton's law, the famous Newton's law of gravitation, the famous Newton's law of gravitation. What is Newton's law of gravitation? Okay. Newton's law of gravitation simply say that every particle of matter in universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them.
दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एक्चुअली हमारी यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो इसी लॉ पे डिपेंड करता है. सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास लकड़ी है या आपके पास पत्थर का कोई टुकड़ा है, कोयले का टुकड़ा है, सोना है, चांदी है, पानी है, एयर है, एनी फॉर्म ऑफ मैटर आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. आप ये सोच के देखिए कि इन सब चीजों का अस्तित्व क्यों है. बिकॉज ऑफ दिस लॉ. इस लॉ ने हमें यह बताया कि इस यूनिवर्स का प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सोच के देखिए पत्थर का एग्जिस्टेंस क्यों है. पत्थर किससे मिलकर बना है? बहुत सारे रेत के कणों से मिलकर बना है, बहुत सारे रेत के कणों से मिलकर, और उन सब रेत के कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं. सोच के देखिए कि अगर उनके बीच में, उन पार्टिकल्स के बीच में, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता तो क्या होता? पत्थर अपने आप रेत में कन्वर्ट हो जाया करते, लकड़ी अपने आप छोटे छोटे कणों में विभक्त, कोयला का पाउडर हो जाया करता. यानी इस यूनिवर्स में जिन पदार्थों का एग्जिस्टेंस जिस रूप में है वो उस रूप में नहीं रहता. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमने बताया सबसे पहले कि इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूटन ने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप इसे बोल सकते हैं. ब्रॉडली यू कैन से इट एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये यूनिवर्स का प्रत्येक पदार्थ ऐसा करता है. एवरी मैटर. तो उसी के ऊपर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर दैट मीन्स आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. पानी का एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं. पानी का एग्जिस्टेंस क्यों है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के जब बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके कारण एक दूसरे के साथ जुड़ा है. सोच लीजिए और वो बॉन्ड क्यों है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है. सोच लीजिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता, यहां मैं बोल रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यू कैन से इट एज ब्रॉडली एज और इन द जनरलाइज फॉर्म एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाइड्रोजन H2, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है? हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. इसी कारण हमें क्या मिल पाता है? जल, वाटर. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द दीज टू पार्टिकल्स, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. हवा का एग्जिस्टेंस क्यों है? आप ये जानते हैं कि एयर की अगर बात करें तो एयर को बोला जाता है मिक्सचर. एयर इज अ मिक्सचर. और मिक्सचर क्यों है? मिक्सचर इसलिए है कि जो एयर है उसमें अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन होती है, अप्रोक्सीमेटली 20% ऑक्सीजन होती है, 1% वाटर वेपर होती है, और जो 1% है वो अदर गैसेस होती हैं, जिसमें कुछ जो गैसेस हम बोलते हैं इरिएक्टिव गैसेस,
जिनको बोलते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, अदर गैसेस। इस तरह से फॉर्मुलेशन होता है किसका? एयर का। तो एयर का एग्जिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ मिक्सर हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए एयर का एग्जिस्टेंस है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक बॉन्डिंग नहीं होती तो क्या एक दूसरे के साथ जुड़ पाते? क्या एयर का एग्जिस्टेंस हो पाता? नहीं। सो दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यू कैन सिंपली से इट एज जनरलाइज फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस बारे में हमें सबसे पहले बताया न्यूटन ने, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो लेट्स सी इट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, लेट्स सी इट। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम और बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दैट बॉडीज। मतलब उनके जो मासेज हैं, मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो जो हम इसके पीछे का फिजिक्स है वो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। अब मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या है इस फॉर्मूले का, वो ये है। ये केवल इसका मैथमेटिकल पार्ट है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है। तो इसके पीछे का फिजिक्स क्या है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। ओके, सो मैथमेटिकल पार्ट ये है कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो जो दो पार्टिकल के बीच में एक्ट करेगा, मान लीजिए ये दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल हैं, मान लीजिए इस पार्टिकल का मास m1 है और इस पार्टिकल का मास m2 है, उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, इस तरह। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मुझे ये समझाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन दीज टू पार्टिकल मैथमेटिकली, मैथमेटिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 कैन बी रिटन एज f इज इक्वल्स टू और प्रोपोर्शनल टू, फर्स्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस, दैट इज m1 इंटू m2, प्रोडक्ट ऑफ द मास of the first particle into the mass of second particle over the square of the distance between these two particles or the centers of these two particles, that is r square. Yes, that is f is directly proportional to the product of the masses of two particles and in proportional to the square of the distance joining the centers or distance between the center of the two particles. And when we remove this proportionality sign, then there will be a constant there. So F equals to G M1 M2 over R square. This, where G is the universal gravitational constant, universal gravitational constant, and has value 6 into 6 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. 6 into 6 into 10 to the power 11 Newton meter per kilogram square. Okay. This is the universal law of gravitation or Newton's law of
gravitation. Okay. You can simply calculate the value of g from here, that g is equals to fre square over m1 m2, and this will be equals to this. So this, if the masses of the two particles distance r from each other be small m and capital M, the force of gravitation of attraction is given by F is directly proportional to the product of these two masses. Here is the product of these two masses, M into M, capital M into small m, over and in proportional to the square of the distance between these two particles. And when we remove this proportionality sign here from here, then F equals to G M small m over R square. This, where G is a universal gravitational constant, has the dimensions like that, and value 6.67 in 10 to the power minus 11 newton meter square per kilogram square. And if we define g from here, that m equals to 1 gram or r equals to 1 centimeter, then f definitely equals to g. Put these values here in this formula. M equals to 1, small m equals to 1, r equals to 1, then 1 multiplied 1 divided by 1 is definitely F equals to G. That is, gravitational constant is the force of gravitational attraction between two unit masses, unit distance apart. Yani, jo gravitational constant hai, jo gurutvakarshan niyatank hai, wo us force ke barabar, us bal ke barabar hota hai, us attractive yani ki आकर्षण बल के बराबर होता है जो दो यूनिट मासेस के बीच में, यानी जो दो एकांक द्रव्यमानों के बीच में एकांक दूरी पर कार्य करें। एकांक द्रव्यमान, एकांक दूरी, यूनिट मास, यूनिट डिस्टेंस। दिस, सो दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, now moving towards the next one, which is the gravitational field and intensity, and gravitational field intensity, you can say it of gravitational field, you can say it as gravitational field or gravitational field intensity or intensity of gravitational field. Okay, so first look at this. What is gravitational field? Okay, the space around a body within which its gravitational force of attraction can be experienced is called as gravitational field. Yani kisi bhi body ke around wo space jisme wo body ek gravitational attraction force ko experience kare is known as gravitational field. Jaise jo hamari earth hai uske charo taraf bhi gravitational attraction force hai. और जब कोई बॉडी, हम सैटेलाइट के बारे में, हमने रॉकेट के बारे में पढ़ा, रॉकेट एक वेरिएशनल मास का, जो और रॉकेट का यूज क्या है, सैटेलाइट को लेकर जाना, टू सेट इट इनटू द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लेनेट, और सिंपली यू कैन से दैट इन अराउंड the circular orbit or around the orbit of any planet. तो हमने study किया कि Earth, जो हमारी पृथ्वी है, उसके चारों तरफ भी gravitational field है, और वो कुछ distance पे, actually यहाँ कुछ layers होती हैं जिनको हम शायद यहाँ कहीं ना कहीं, यहाँ तो शायद आपके पास नहीं है सिलेबस में, लेकिन यहाँ जो पृथ्वी के चारों तरफ का ये जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया जो है, चारों तरफ बोल रहा हूँ, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो चूंकि स्पेस कागज पे उसी तरफ है तो उसी तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ मेरे ऊपर ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है, इसके चारों तरफ कुछ लेयर्स होती हैं जिनको हम, पहली लेयर को जैसे हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ओके, और फिर जो दूसरी लेयर है
इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं. ओके, फिर जो अगली लेयर है उसको हम मीजोस्फीयर बोलते हैं. ओके, और जो लास्ट लेयर है यहाँ उसको हम आयनोस्फीयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर बोलते हैं. इस तरह से तो पृथ्वी के चारों तरफ का ये जो वायुमंडल है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, एटमोस्फेयर कहते हैं, ये यहाँ तक ट्रोपोस्फीयर से शुरू करके आयनोस्फीयर तक. तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द आयनोस्फीयर, ये शायद अप्रोक्सीमेटली 540 किलोमीटर के आसपास है. अप्रोक्सीमेटली 540 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली. सो ये जो 540 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जहां हम रहते हैं, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड सबका होता है. सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे तो सूर्य के चारों तरफ जो सौर परिवार या सन फैमिली जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो 9 या अब 8 ग्रह हैं वो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं. तो सूर्य का चक्कर क्यों? क्योंकि वो सूर्य के साथ किससे बंधे हुए हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. तो मैं केवल अर्थ की अभी बात कर रहा हूं. तो ये जो 540 किलोमीटर का एरिया है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है. इस पूरे एरिया में अगर कोई भी वस्तु होगी यहां तक टू द 540 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, तो इस पूरे एरिया में जो भी वस्तु होगी ये पृथ्वी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को लगाएगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण वो वस्तु पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगी. किसी भी सैटेलाइट को अगर आपको इस पृथ्वी के इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेके जाना है, पृथ्वी के इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेके जाना है, तो कम से कम हम स्टडी करके आए हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतनी स्केप वेलोसिटी चाहिए किसी भी वस्तु के पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है अगर आपको किसी भी वस्तु को, तो आपको कम से कम उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को, उस रॉकेट को कम से कम कितनी स्पीड देनी होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अगर इससे कम स्पीड में वो जाता है तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जितनी भी वस्तुएं होंगी कहीं भी, यहाँ 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 यहाँ, पृथ्वी उन सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेगी. अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू दिस स्पेस, अर्थ बी श्योरली अट्रैक्ट ऑल ऑफ दिस. और ये किसके कारण? ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण. और ये जो फोर्स लगता है उस पर, ये बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स. अब रॉकेट के केस में, या अगर किसी सैटेलाइट को आपको लेके जाना है इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, तो आपको कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड उसको देनी पड़ी, स्केप वेलोसिटी कम से कम. अगर इससे कम स्केप वेलोसिटी है, क्यों देनी पड़ती है स्केप वेलोसिटी? क्योंकि ये जो अर्थ का सरफेस और इससे ये जो डिस्टेंस है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की, इसके अंदर जो भी वस्तु होगी पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करेगी, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो किसकी तरफ लगेगा? अर्थ की तरफ लगेगा. और ये जो वस्तु है, ये जो सैटेलाइट है जिसको हम लेके जाना चाह रहे हैं, ये जा रहा है अर्थ के सरफेस से बाहर, यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध, अपोजिट टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स हमें एक्ट करना पड़ेगा. और अगर ऐसा एक्ट हम करते हैं तो हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवर करना पड़ेगा, तब जाके हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल पाएंगे. क्योंकि यहाँ जो वर्क करना पड़ता है वो
करना पड़ता है टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट्स वाई वी नीड अ मिनिमम स्पीड ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड टू गेट अवे फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, और यू कैन सिंपली से इट एज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. तो ये पूरा एरिया पृथ्वी के चारों तरफ का ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है पूरा एरिया. अब ग्रेविटेशनल फील्ड में की जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी पर यूनिट मास वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. यानी अगर ये मेरे पास अर्थ सरफेस, ये मेरे पास अर्थ है अर्थ, और यहां वो लेयर्स हैं, दिस इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, दिस ये वो लेयर्स हैं, और ये पूरी जो अर्थ के सेंटर से कहीं या सरफेस से कहीं, आप कहीं से भी डिस्टेंस से सरफेस से कहें तो ज्यादा अच्छा है, यहां ये जो पूरी डिस्टेंस है ये ग्रेविटेशनल फील्ड है. यहां से यहां तक इस फील्ड में जो भी वस्तु होगी कहीं भी, यहां 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 यहां, उन सब पर ये पृथ्वी एक फोर्स लगाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या कहते हैं? ग्रेविटी. और इस फोर्स के बारे में जो सबसे पहले जानकारी हमें दी वो किसने दी? न्यूटन ने दी. एंड दैट इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, या फिर हम इसे कह सकते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं. तो पर यूनिट मास ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पर यूनिट मास, जो फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास. यानी एक यूनिट मास पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. यानी अगर इस मास का वैल्यू मैं क्या कर दूं? यूनिट कर दूं, एक यूनिट कर दूं, एक ग्राम कर सकता हूं, एक किलोग्राम कर सकता हूं, जितना भी. तो यही जो फील्ड है, यही जो फोर्स है, वो मेरे पास किस में बदल जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में बदल जाएगा. एंड दैट इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, दिस जी एम ओवर आर स्क्वायर. द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास एम. इसीलिए ये निगेटिव साइन यहां कंसिडर किया गया है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for now, and meet you into the next one. Till then, thank you.